गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में पेज नंबर 58, 59, 60 और 61 को देखेंगे। रेफरेंस टाइम 24, 25 और ड्रेसिंग टाइम 30 और 31। तो आज हम यहाँ अपने अल्फ़ाबेट का जो पाया जाने वाला है जो लेटर जी के बारे में हम देखेंगे कि जी फॉर क्या होता है, मीन्स क्या क्या होता है, और कैपिटल जे और स्मॉल जे हम कैसे लिखते हैं इसको हम देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये है हमारा कैपिटल जे और ये है हमारा स्मॉल जे, है ना। तो अधिकतर हम जे फॉर जग होता है जानते हैं ना, तो लेकिन देखिए यहाँ पे जे फॉर कितनी सी चीज़ें, 1, 2, 3, 4 चीज़ें यहाँ पर, 5 चीज़ें यहाँ पर हमको बताई गई है। तो ये है हमारा कैपिटल जे और यह है हमारा स्मॉल जे। तो जे फॉर क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए जे फॉर होता है जीप। जीप मीन्स होता है मोटर गाड़ी, है ना, जो हमारे सवारी के काम आता है, JWP जीप। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जे फॉर होता है जोकर, है ना, जोकर जो हमारा मनोरंजन करता है उसको हम जोकर बोलते हैं। फिर जे फॉर होता है जग, जिसमें हम पानी रखते हैं उसे हम जग बोलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट होता है जे फॉर जंप, जंप मतलब होता है कूदना, है ना, जंप बोलते उसे। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जे, कैपिटल जे और स्मॉल जे को कैसे लिखते हैं। तो देखिए हम कैपिटल जे लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 लाइन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 दिया है, तो हम फर्स्ट से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे, फिर एक हाफ कर्व कर देंगे, ये हो गया हमारा कैपिटल जे, स्टैंडिंग लाइन और हाफ कर्व कर देंगे, ये हो गया हमारा कैपिटल जे। और स्मॉल जे लिखने के लिए भी सेम, हम सेकंड लाइन में चले जाएंगे, 4 लाइन के सेकंड लाइन में, और लास्ट तक हम सेम वही बना देंगे और उसके ऊपर यहाँ पे एक डॉट कर देंगे, तो ये बन गया हमारा स्मॉल जे। ये देखिए हमारा स्मॉल जे, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ट्रेसिंग 30 में ये कैपिटल जे और ये है स्मॉल जे, इसको लिखने की प्रैक्टिस के लिए ये भी शीट दी हुई है। आपके पास बुक रहेगा, बुक है तो आप उस बुक में इसको लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है पेज नंबर 60 में, रेफरेंस टाइम 25, ये भी हमारे अल्फ़ाबेट का एक लेटर है, ये है कैपिटल यू और ये है स्मॉल यू, है ना। तो कैपिटल यू और स्मॉल यू इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यू फॉर क्या होता है, यू फॉर होता है एन अम्ब्रेला, है ना, अम्ब्रेला मीन्स छतरी, जिसका उपयोग हम बरसात में पानी से बचने के लिए और समर सीज़न में धूप से बचने के लिए करते हैं। यू फॉर होता है अ यूनिफॉर्म, मतलब हमारा हमारे कपड़े, ठीक है। और यू फॉर होता है एन अरन, जो कि एक प्रकार का गमला टाइप का रहता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कैपिटल यू और स्मॉल यू को प्रैक्टिस करने की कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे 4 लाइन दिया हुआ है, हम फर्स्ट लाइन से ही आएंगे और यहाँ से थर्ड लाइन तक ऐसा एक राउंड कर देंगे, ये हमको हाफ सर्कल बन गया, ये बन गया हमारा कैपिटल यू। और स्मॉल यू लिखने के लिए भी हमको 4 लाइन में सेकेंड लाइन में ऐसा करके ऐसा लाइन खींचना है, ये बन गया हमारा स्मॉल यू, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए ट्रेसिंग 31 में कैपिटल यू और स्मॉल यू कैसे लिखते हैं इसकी प्रैक्टिस हमको करने का बताया गया है, और आप हमारे पास बुक है तो हम उस बुक में कैपिटल यू, स्मॉल यू और कैपिटल जे और स्मॉल जे लिखने की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।